हेलो स्टूडेंट यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ माय नेम इज़ गोविंद सैनी स्टूडेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है थर्मोडाइनेमिक और जिसकी हमारी क्लास चल रही है और उसमें हमारी यूनिट जो चल रही है यूनिट थर्ड चल रही है ओके okay, स्टूडेंट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी से रिलेटेड हमने उसके बारे में पढ़ा था ठीक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में तो इससे पहले एक हमारा टॉपिक बच जाता है जो है थर्मोडाइनमिक का थर्ड लो ओके तो थर्ड थर्मोडाइनेमिको क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं देखो थर्मोडाइनेमिक के मैंने एक जीरो के बारे में आपको बताया था फर्स्ट लो के बारे में बताया था सेकंड लो के बारे में बताया था अब आता है हमारा थर्ड लो तो थर्ड लो इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी हमारा जो थर्ड लो होता है वो किसके बेस पर होता है एंट्रोपी के बेस पर होता है और एंट्रोपी के कारण हमारा इसमें मतलब जैसे कि एंट्रोपी मतलब जो थर्ड लो होता है वो एंट्रोपी बेस पर होता है थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ दर्मोडाइनमिक इट इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विल बी जीरो एट द एपुलेट टेम्परेचर जीरो कहने का मतलब क्या है जो हमारे प्योर सब्सटेंस है कोई भी सिस्टम है ठीक है और उसकी जो एंट्रोपी होती है डेट विल बी जीरो एट द जीरो टेम्परेचर कैसा हो जीरो हो और एक बात और ध्यान रखना है कि सराउंडिंग की जो हमारी एंट्रोपी होती है डेट विल बी जीरो सराउंडिंग की एंट्रोपी भी जो होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है हमारी जीरो होती है ओके तो हम यहां पे लिख सकता हूं मैं कि हमारा थर्ड लॉ ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक ठीक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का स्टूडेंट हमारा यस yes को लिख सकते हैं इट स्टेट डेट it state that the entropy of a pure substance the entropy of a pure substance will be zero एट द एपुलेट जीरो टेम्परेचर एप्सुलेट जीरो टेम्परेचर ठीक है स्टूडेंट तो यहां पे हमारा जो थर्ड ठरडो होता है का इट इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी और ये कहता है कि इट स्टेट डेट द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विल बी जीरो एट द आउट एप्सुलेट जीरो टेम्परेचर तो ठीक है तो हम आप जानते हैं कि जो हमारी एंट्रोपी होती है डेट विल बी इक्वल्स टू हीट अपॉन टेम्परेचर अगर मेरे यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो मेरी एंट्रोपी जो होगी स्टूडेंट वो भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी फोर ए प्योर सब्सटेंस फोर ए प्योर सब्सटेंस तो इसमें यह कहा गया है कि हमारी जो एंट्रोपी होती है वो हमारी कैसी होती है स्टूडेंट जीरो होती है फोर ए प्योर सब्सटेंस के लिए ए प्योर सब्सटेंस के लिए हमारी जो एंट्रोपी होती है वो हमारी कैसी होती है स्टूडेंट जीरो होती है ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ ऑफ ऑब्जर्व थर्मोडानेमिक जीरो बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी एंड बॉडी सी इज इन आल्सो थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ए दिस इज द फर्स्ट दिस इज द जीरो थ्रो ऑफ द थर्मोडाइनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक हमने डिस्कस किया था कि वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी बट वी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट या वन फॉर्म टू अदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक और हमने सेकेंड लॉ में हमने डिस्कस किया था सेकेंड लॉ में हमारे दो स्टेटमेंट दिए थे फर्स्ट इज कैलविन स्टेटमेंट सेकेंड इज क्लासेस स्टेटमेंट तो कैलविन स्टेटमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन दैट विल बी इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन दैट कैन बी ट्रांसमिट इनपुट हीट ट्रांसमिट इन टू टोटल वर्कडन विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ द सराउंडिंग हीट दैट इज कॉल्ड द कैल्बिन प्लान स्टेटमेंट ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अभी तक ऐसा हीट इंजिन नहीं बना है जो अपनी पूरी इनपुट एनर्जी को पूरे वर्कडन में कन्वर्ट कर सके ठीक है और क्लासेस ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेल्फ एक्टिंग ए डिवाइस विच ट्रांसमिट हीट फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई बॉडी टेम्परेचर की अभी तक तो कोई भी ऐसा अपना सेल्फ एक्टिंग डिवाइस नहीं बना है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो स्वयं ही बिगड़ कार्य करे मदन मतलब उसको बिगड़ कार्य दिए ही वो एक लो बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसमिट कर सके और लास्ट हमारा आता है दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक और थर्ड लॉ ऑफ द इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी ये किसके बेस होता है एंट्रोपी के ऊपर बेस होता है और इट इज स्टेट दैट द दब्स द एंट्रोपी ऑफ द प्योर सब्सटेंस विल बी जीरो एट द एपुलेट जीरो टेम्परेचर मतलब एप्सुलेट जीरो टेम्परेचर पर हमारी जो एंट्रोपी होती है किसी भी प्योर सब्सटेंस की डेट विल बी जीरो होती है क्या होती है स्टूडेंट जीरो होती है और मैंने आपको बताया था एंट्रोपी डिपेंड ऑन द हीट ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेरे किसी सिस्टम में हीट का ट्रांसमिशन होता है या हीट का एक्सट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर मेरी जो एंट्रोपी होती है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो एंट्रोपी इज द रेंडमनेस ऑफ द मोलिक्यूल या एंट्रोपी इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम एंट्रोपी क्या कहलाती है एक मेजर ऑफ द डिग्रीनेस मेजर ऑफ द डिग्रीनेस ऑफ द रैंडमनेस या डिस सिमिलर ऑफ द बॉडी डैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी तो एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया था ये सब चीज़ें हमारी इस वाले चैप्टर में हो गई थी इस वाले चैप्टर में स्टूडेंट ये सब चीज़ें हमारी हो गई थी चलो अब डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने क्वेश्चन के बारे में कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं ठीक है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी जो हमारी एंट्रोपी चेंज हुई है उसको हमको बताना है कितना एंट्रोपी चेंज हुआ है ठीक है ऑफ एयर एयर की हवा की इफ़ इट इज थ्रोटन मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं थ्रोटल कर रहे हैं थ्रोटल करने के मतलब किसी नोजल में से या कन्वर्जेंट में से इसको पास करा रहे हैं और वहाँ पे जब इसका इनलैट टेम प्रेशर था डैट इज द फाइव बार हो गया था और लास्ट में उसका दो बार प्रेशर हो गया था ओके तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कितना था फाइव बार था और लास्ट में हमारा कितना हो गया दो बार हो गया तो उसका टेम्परेचर कितना था ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था तो हम लिख लेते हैं गिविन में हमको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है बात कर लेते हैं गिविन में तो गिविन में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं तो हमारे गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दे रखे पी वन दे रखा है पी वन इज द फाइव बार पी वन की वैल्यू दे रखी है फाइव बार और पी टू की वैल्यू हमको दे रखी है कितना दो बार और यहाँ पे टेम्परेचर हमको कितना दे रखा है स्टूडेंट दिस इज द टी वन इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस हमने टी वन टेम्परेचर इसको मान लिया है और यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी एंट्रोपी जो चेंज हुई है उसकी वैल्यू को मुझको यहाँ पे क्या करना है स्ट्रेंड बताना है तो चेंज इन वैल्यूसिटी मुझको यहाँ पे क्या करना है बताना है तो एक क्वेश्चन में हमको दिया होता है कि हमारा जो एयर का हमारा जो एयर का स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट दे रखा है एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर उसकी जो वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो फोर पर के जी कैलविन के जी कैलविन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट दे रखी है एयर की और यहाँ पे जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है जिसकी जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू दे रखी है हमारी जीरो पॉइंट टू एट सेवन जीरो पॉइंट टू एट सेवन पर के जी कैलविन ठीक है किलो जूल पर के जी कैलविन किलो जूल पर के जी कैलविन सब हमको क्वेश्चन में दे रखा है अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम जो एंट्रोपी चेंज हुई है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो स्टूडेंट कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको एस टू माइनस के एस वन एस टू माइनस के एस वन इक्वल्स टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस के आर एल एन पी टू अपॉन वन ये फॉर्मूला लिखवाया था कल मैंने एक मत द चेंज ऑफ एंट्रोपी कल मैंने आपको डेरिवेशन कराए थे ना फॉर द एंट्रोपी इन द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द थर्मोडाइनमिक दो थर्मोडाइनमिक अलग अलग प्रोसेस थे आइसोथर्मल पोलिट्रोपिक और हमारा एंडियाबायोटिक ठीक है और आइसो आइस तो तीनों प्रोसेस के बारे में मैंने एंट्रोपी बताया था कि एंट्रोपी वहाँ पे क्या डिपेंड करती है तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमारी जो एंट्रोपी निकल के आई थी एंट्रोपी डिफरेंस निकल गया था डेट इज दी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन

लगाना है तो क्वेश्चन में देखो हमको पी टू दे रखा है देर इज़ नॉट गिवन ऑफ द वी वन वी टू ठीक है तो यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे पी टू ओ पी वन का लगाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मुले ध्यान रखने वाली बात ये है अगर मेरे यहाँ पे सी पी आ रहा है तो यहाँ पे पी टू ओ पी वन आएगा और माइनस का चिन्ह आएगा ठीक है इतना ध्यान रखना है अगर मेरा वॉल्यूम दे रखा है दैट इज दी टू अपॉन वी वन और यहाँ पे क्या आएगा सी वी आएगा और प्लस में और प्लस का आएगा बस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मेरा कॉन्स्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉन्सटेंट प्रेशर है मतलब सी पी दे रखा है तो सी पी में क्या होता है पी टू ऑफ पी वन आएगा

तो स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो थ्रोटलिंग, प्रोसेस होता थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए हमारा क्या होता है थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए हमारी जो एंथेल्पी होती है डेट विल बी इक्वल टू मतलब एनथेल्पी की जो वैल्यू होती है वो हमारी इक्वल होती है मैंने आपको फर्स्ट स्टडी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कैसे कैसे हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हमारी जो हीट uh, या वर्क फ्लो करता है वहाँ पे हमको मैंने आपको बताया था कि एंथेल्पी कहाँ पे कॉन्सटेंट रहती है ठीक है प्रोसेसर कहाँ कॉन्सटेंट होता है कहाँ वॉल्यूम कॉन्सटेंट होता है कहाँ वर्क और हीट हमारा कॉन्सटेंट रहता है इन सब के बारे मैंने में मैंने डिस्कस किया था किसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में ओके तो उसके कंडीशन से जो मैंने आपको बताया था थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारी जो एंथेल्पी होती है डैट विल भी जीरो होती है क्या होती है स्टूडेंट हमारी एंथेल्पी क्या होती है हमारी जीरो होती है क्या होती है स्टूडेंट एंथेल्पी क्या होती है हमारी जीरो होती है सॉरी एंथेल्पी मतलब कॉन्स्टेंट रहती है जीरो होती है मतलब इक्वल रहती है क्या होती C... uh, है इक्वल होती th... है तो इस कंडीशन में हमको पता है कि मैंने आपको बताया था क्या कल मैंने आपको बताया कि हमारा जो एच होता है और डेट इज द सी पी टी होता है क्या होता है सी होता है कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एच होता है वो क्या होता है हमारा सी होता है और हमारा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होता है सी होता है ये दोनों फॉर्मूले मैंने कल आपको बताए थे ना अगर मेरा एंथैल्पी होगा तो सीपी होगा अगर मेरी इंटरनल एनर्जी होगी तो सीबी होगा तो उसको ध्यान रखना आगे क्वेश्चन में यूज होंगे ये भी ठीक है तो यहाँ पे मेरा जब एंथैल्पी डेट विल बी बीस तो हम जानते हैं एच वन बराबर क्या है एच टू है और एच बराबर क्या है मेरा सीपी टी वन मान लिया और इसको मैंने सीपी टी टू मान लिया क्या मान लिया सी पी टी टू मान लिया तो यहाँ पे देखो सीपी और सीपी सेम वैल्यू तो यहाँ पे मेरा इक्वल्स टू क्या हो टी टू हो जाएगा तो कहने का कहने का मतलब क्या है पे मेरा मेरा जो इनलेट पर है वही एग्जिट मतलब एग्जिट पर होगा तो टेम्परेचर विल बी इक्वल ठीक है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा इक्वल होगा टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो जितना मेरा टेम्परेचर यहाँ पे ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस दे रखा है ठीक है तो मेरा कितना हो जाएगा ये

Temperature that will be equal. तो यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर इक्वल होने से और यहाँ पे हमारी क्या होगा देखो टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं बात करूं सी पी सी पी एल एन अगर टेम्परेचर मेरा इक्वल है तो यहाँ पे वन आ जाएगा तो एल एन वन एल एन वन हो जाएगा माइनस के आर आर एल एन पी टू अपॉन पी वन हो जाएगा अब हम जानते हैं जो एल एन वन होता है उसकी वैल्यू होती है जीरो ठीक है लोक वन की वैल्यू जीरो होती है लो एल एन की वैल्यू एल एन वन की वैल्यू भी जीरो होती है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारी जीरो हो जाएगी यहाँ पे आएगा माइनस के आर की वैल्यू कितना दे रखा है जीरो पॉइंट टू एट सेवन मल्टीप्लाई एल एन एल एन पी टू की वैल्यू दे रखी है हमको दो अपॉइंट पाँच ठीक है तो कहने का मतलब क्या है पी टू की वैल्यू टू और हमारी पी वन की वैल्यू फाइव ठीक है तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करके यहाँ पे आंसर बताएंगे आंसर कितना आएगा तो देखेंगे एल एन ब्रैकेट टू डिवाइड बाई फाइव ब्रैकेट क्लोज इक्वल मल्टीप्लाई पॉइंट टू एट सेवन डेट विल बी इक्वल ऑफ द एस टू माइनस के एस वन इक्वल टू ठीक है एस टू माइनस के एस वन इक्व टू माइनस माइनस की वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट टू सिक्स टू नाइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एस टू माइनस के एस वन बराबर हो जाएगा हमारा जीरो पॉइंट टू सिक्स टू नाइन ठीक है और एंट्रोपी का डिफरेंस है तो एंट्रोपी की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है क्यू अपॉन टी होता है तो डैट इज द क्लोजूल पर के जी क्लोजूल पर के जी कैलविन

हीट का क्या होता है क्लोजूल पर के और टी का क्या होगा कैलविन तो क्लोजूल पर के जी इसकी क्या होगी यूनिट होगी तो आपको एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है क्लोजूल पर के जी कैलविन आपको ध्यान भी रखना है ओके okay, स्टूडेंट चलो इस इस तरह यहाँ पे हमारा आंसर कितना है जीरो पॉइंट टू सिक्स टू नाइन हमारी एंट्रोपी डिफरेंस आई है हमारी एंट्रोपी का डिफरेंस कितना है जीरो पॉइंट टू सिक्स टू नाइन निकल गया ओके स्टूडेंट तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजन इज कंप्रेस्ड यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन को कंप्रेस कर रहे हैं वहां पे एयर थी यहाँ पे ऑक्सीजन है ठीक है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली फ्रॉम 125 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ 375 किलो पास्कल तो वहां पे हम कोई भी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस कर, कर रहे हैं किस पे आइसोथर्मली और रिवर्सिबल पता रिवर्सिबल प्रोसेस भी है और आइसोथर्मल भी है तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है जहां पर हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है जहां पर टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है और हीट का नो इंट्रैक्शन होता है ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती है हीट ठीक है फिर कह रहा है कि वहां पर जो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका प्रेशर जो था वन ट्वेंटी फाइव से कितना हो गया हमारा थ्री सेवन फाइव क्लो पासकल हो गया उसका प्रेशर बढ़ गया कंप्रेस करते हैं तो किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से उसका प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि हमारा जो कैसा प्रोसेस है आइसोथर्मली प्रोसेस है और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस प्रेशर इतना दे रखा है डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन जो गैस है उसकी उसके अंदर कितना चेंज ऑफ एंट्रोपी हुआ है उसकी वैल्यू को हमको क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है तो गिवन में देख लेते हैं स्टूडेंट गिवन में हमको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है गिवन की मैं बात करूँ तो गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है उनको लिख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है अगर मैं बात करूँ पीवन की दिस इज द पीवन इक्वल्स टू वन ट्वेंटी किलो पासकल दे रखा है और P2 की मैं बात करूं तो P2 हमारा दे रखा है 375 सेवन किलो पासकल ठीक है और यहाँ पे टेम्परेचर में मान लेता हूँ टी वन की वैल्यू दे रखी है हमारी ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस और इसको हम चेंज कर लेंगे ट्वेंटी सेवन प्लस टू सेवन थ्री तो इक्वल हमारा कितना हो जाएगा तीन सौ कैलविन हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन सौ कैलविन तो टी वन की वैल्यू हो गई तीन सौ कैलविन और हमको चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू बतानी है डेल एस की हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है पी टू पी वन दे रखा है तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वही हो जाएगा कि हमारा जो डेल एस था डैट विल बी इक्व टू हमारा क्या हो जाएगा सी पी एल एन सी पी एल एन T2 upon T1 minus R, और होगा क्योंकि हमको पी टू अपॉन पी वन दे रखा है पी टू अपॉन पी वन दे रखा है ठीक है बट लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सी पी और आर की वैल्यू क्या होगी उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का हमारा जो उसकी स्पेसिफिक इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होगी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर डेट विल बी डिफरेंट क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है एयर की तो हमको पता थी कॉन्सटेंट होती है बट लेकिन यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू होगी उसको हमको फाइंड आउट करना है ठीक है तो हम बात करते हैं अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ आर मेरा क्या होगा आर की वैल्यू हमारी जो होती है ठीक है यहाँ पे हम क्या निकालेंगे गैस कॉन्स्टेंट निकालें ऑफ द ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन के लिए जो गैस कॉन्सटेंट होता है यहाँ पे एट पॉइंट थ्री वन फोर और इसको हम इसके मतलब ऑक्सीजन के मतलब सोलह सोलह दोनी बत्तीस बत्तीस से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी आर की उसको देखेंगे कितनी वैल्यू निकल के आएगी एट पॉइंट थ्री वन फोर डिवाइड बाई थर्टी टू डेट विल्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव नाइन एट जीरो पॉइंट टू फाइव नाइन एट ठीक है जीरो पॉइंट टू फाइव नाइन एट हमारे यहाँ पे आर की वैल्यू है आर मतलब गैस कांस्टेंट की वैल्यू आई है और यहाँ पे इसकी चलो यूनिट भी लिख सकते हैं किलो जूल पर के जी क्याल्वीन. किलो जूल पर के जी कैलविन ठीक है अब यहाँ देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ऑक्सीजन इज कम्प्रेस रिवर्सली प्रोसेस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोसेस इज आइसो थर्मली प्रोसेस मेरा कैसा आइसोथर्मली है तो देर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा डैट या कॉन्सटेंट हमारा जीरो डिग्री सेल्सियस होगा कॉन्स्टेंट होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होगी तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सटेंट मेरा टेम्परेचर होगा ठीक है कॉन्स्टेंट मेरा टेम्परेचर तो ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा माइनस के आर की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट टू फाइव नाइन एट एल एन पी टू की वैल्यू कितना दे रखा है डैट इज़ द थ्री सेवेंटी फाइव अपॉन That is ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव ठीक है ये वैल्यू हमको दे रखा है और यहाँ पे हम चेंज ऑफ एंट्रोपी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी यहाँ पे देखेंगे अलन ब्रैकेट थ्री सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय वन ट्वेंटी फाइव ब्रैकेट क्लोज इक्वल तो यहाँ पे हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट टू फाइव नाइन एट तो डेट इज द वैल्यू ऑफ माइनस के जीरो पॉइंट टू एट फाइव फोर किलो जूल पर के जी किलो जूल पर के जी कैलविन तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ एंट्रोपी दिस इज द वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ एंट्रोपी ठीक है तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी ठीक है ये वाली वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे इसका हमारा जो ऑक्सीजन की जो हमारी यहाँ पे एंट्रोपी निकल के आएगी चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द ऑक्सीजन गैस दैट विल बी इक्वस्ट टू द माइनस जीरो पॉइंट टू एट फाइव फोर क्लोजूल पर के जी कैलवीन इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर तुमको यही नहीं पता कि आइसोथर्मल है क्या अगर तुमको यही नहीं पता होगा कि आइसोथर्मल है क्या तो यहाँ पे आप क्या करोगे टी वन टी टू का क्या करोगे कुछ नहीं पता जब आइसोथर्मल आपको पता है कि प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट कॉन्स्टेंट होता है अगर ये सारी वैल्यू आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो ईजिली तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडाइनमिक के बारे में आपको पढ़ाया था कि हमारा सिस्टम क्या होता है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है प्रोसेस के बारे में बताया था मैंने कि हमारी कौन कौन सा प्रोसेस होता है आइसोकोरिक आइसोबारिक आइसोथर्मल पोलिट्रोपिक आइसनट्रोपिक पो, और एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये सारे प्रोसेस के बारे में बताया था किस में क्या क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था तो ये सारा हमारा क्या है थर्मोडाइनमिक की प्रॉपर्टी है इन थर्मोडाइनमिक बेसिक है, है अगर वो बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो आगे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो आगे समझ में नहीं आएगा अगर आपको नहीं पता कि आइसोथर्मल होता क्या है तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखोगे तो आइसोथर्मल जब आपको पता है कि हमारा सिस्टम आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल टेम्परेचर भैया कॉन्स्टेंट होता है क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है अब मान लीजिए उसने टेम्परेचर हमको ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस दे रखा है मान लीजिए उसका टेम्परेचर हमारा ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस है लेकिन आइसोथर्मल में क्या होता है ना तो हीट का ट्रांसमिशन होता है ना मास का ट्रांसमिशन होता है जब हीट ना जाएगी ना आएगी तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो ही तो रहेगा या कम हो जाएगा कम कब होगा जब हीट का ट्रांसमिशन होगा लेकिन हीट का ट्रांसमिशन ही नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम है या कोई भी चीज़ है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वही उसका सेम होगा तो टी वन टी टू का कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ पे अगर मैं टी वन टी टू की वैल्यूज को सेम रखूंगा तो यहाँ पे एल एन वन आ जाएगा तो एल एन वन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है और यहाँ पे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो ठीक है इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करा पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था कि वहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या था हमारा टेम्परेचर इक्वल था तो वहाँ पे भी हमने क्या करा उसको इक्वल रखे यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया ठीक है तो स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें समझनी होगी ठीक है तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे हमको भी क्या करना है चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है साथ के साथ मैं लिख लेता हूँ इसने क्या क्या दे रखा है मुझको गिवन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है चेंज ऑफ एंट्रोपी हमको कैलकुलेट करना है तो डे लेस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है डे लेस का मतलब एस टू माइनस एस वन चेंज ऑफ एंट्रोपी हम उसको लिख सकते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे कह रहा है कि एंट्रोपी वैन जीरो पॉइंट टू मीटर क्यूब यहाँ पे दे रखा है इसने वॉल्यूम दे रखा है अगर मैं मान लेता हूँ वी वन की वैल्यू दे रखा है जीरो पॉइंट थ्री मीटर क्यूब हमको वॉल्यूम दे रखा है ऑफ एयर एयर का दे रखा है और प्रेशर दे रखा है पी वन डेट विल बीवल टू वन बार वन बार हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट फिर क्या रखा है इसका टेम्परेचर टी वन की वैल्यू में लिख लेता हूँ फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस 59.9 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड टू 0.051 पॉइंट मीटर क्यूब तो यहाँ पे इसका जो V2 हो जाता है स्टूडेंट वो हो जाता है हमारा कितना जीरो फाइव वन मीटर क्यूब हमारा यहाँ पे उसका वॉल्यूम हो जाता है जब इसको कंप्रेस करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ हम जानते हैं पी वी बराबर वन पॉइंट टू नाइन दे रखा है दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है इक्वेशन हमको दे रखा है पी की पावर एन मतलब 1.4 तो क्या दे रखा है एयर और ईयर में हमारा जो गामा की वैल्यू होती है फॉर एयर के लिए डेट विल बीवल टू 1.4 पॉइंट अगर ये वाली 1.4 फोर यहाँ पे दिया होता तो हम मानते हैं प्रोसेस है क्या है एंडियाबैटिक प्रोसेस है ठीक है एंडियाबैटिक प्रोसेस है बट लेकिन इसने क्या दे रखा है पी वी की पावर वन माइनस के टू वन दे रखा है और इक्व टू कॉन्स्टेंट दे रखा है दिस इज द पोलिट्रोपिक प्रोसेस दिस इज द पोलिट्रोपिक प्रोसेस ने हमको दे रखा है ठीक है स्टूडेंट और आगे बात करते हैं आगे क्या क्या रखा है टेक आर बराबर इसने आर की वैल्यू दे रखी है तो आर बराबर हमारा कितना दे रखा है जीरो पॉइंट टू एट सेवन जीरो पॉइंट टू एट सेवन किलोजूल पर के जी पर के जी कैलविन दे रखा है ठीक है एंड एडियाबैटिक इंडेक्स तो एडियाबैटिक इंडेक्स देख रखे और गामा गामा की वैल्यू दे रखे वन पॉइंट फोर और ड्रो द पी वी एंड टी एस डाय उसको भी हमको क्या करना है ड्रो करना है तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है सी पी सी वी का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रोसेस जो दे रखा है पोलिट्रॉपिक प्रोसेस दे रखा है और एडियाबैटिक का इंडेक्स दे रखा है तो मैंने पोलिट्रॉपिक प्रोसेस में आपको बताया था कि हमारी जो चेंजिंग ऑफ एंट्रोपी होती है वो क्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है ठीक है उसका फॉर्मूला क्या होता है तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था उसके फॉर्मूले के बारे में तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है के एन माइनस के गामा अपॉन एन माइनस के वन एन एन टी टू अपॉन टी वन टी टू अपॉन टी वन ये वाली वैल्यू हमारी होती है क्या होती है ये वाली वैल्यू हमारी स्टूडेंट यहाँ पे होती है ठीक है तो इस कंडीशन में हमको क्या दे रखा है यहाँ पे देखो टेम्परेचर हमको एक दे रखा है टी टू नहीं दे रखा है इनकी वैल्यू दे रखी है गामा की वैल्यू दे रखी है सीवी की वैल्यू सीवी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं सी की वैल्यू को हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है तो इसको भी निकालना पड़ेगा सी की वैल्यू कितनी होगी इसकी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा टी टी वन की वैल्यू दे रखी है तो टी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो सारी चीज़ें हमको फॉर्मुला तो लगाना है ये वाला लेकिन ये वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे जो जो हमको वैल्यू दे रखी है उन्नीस से निकालेंगे भाई उन्हीं से तो निकालेंगे अब चलो देखते हैं उनसे कैसे कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले मैं जानता हूँ फोर पोली प्रोसेस के लिए फोर पोली ट्रॉपिक

वन वी टू की वैल्यू दे, दे रखी है इसलिए अपॉन वी टू की, तो की पावर एन हो जाएगा और इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा पी टू हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा पी टू बराबर हो जाएगा पी वन की वैल्यू हमको कितना दे रखा है पी वन की वैल्यू हमको दे रखा है स्टूडेंट वन बार और uh, V2 की 0.051 और ये और का जीरो ठीक है तो इसको वैल्यू के यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे बात करता हूँ किसकी P1 की तो P1 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है वन बार दे रखा है और यहाँ पे V1 V1 की वैल्यू दे रखी है हमको 0.2 क्या दे रखे जीरो पॉइंट टू और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी जीरो पॉइंट फाइव जीरो वन का हमारा एन ठीक है फाइव जीरो वन अच्छा पॉइंट जीरो फाइव वन है पॉइंट जीरो तो पे वैल्यू दे रखी है हमको वी टू की वैल्यू दे रखिये जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन और एन की वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट टू नाइन ठीक है एन की वैल्यू कितनी दे रखिये वन पॉइंट टू नाइन दे रखी है तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके यहाँ पे पी टू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे पी टू की वैल्यू हमारी क्या आएगी ठीक है तो देखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट टू डिवाइड बाई पॉइंट जीरो फाइव वन पॉइंट जीरो फाइव वन इक्वल और इसकी पावर की लिखेंगे डैट विल बी इक्वल ऑफ फाइव पॉइंट एट डेट विल बी इक्वल फाइव पॉइंट एट टू एट ओके तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा पास्कल बार दे रखा है पास्कल दे रखा है बार में दे रखा है ठीक है तो बार लिखेंगे यहाँ पर बार आ, हमारा निकल के आया ये तो P2 की वैल्यू कितनी निकल गई फाइव पॉइंट एट टू फाइव एट ठीक है मीटर यहाँ पे हमारा पास कल हम, सॉरी बार निकल के आ गया है यहाँ पे हमारा P2 की वैल्यू निकल के आ गई अब हम जानते हो फॉर द प्रोसेस के लिए एक रिलेशन और था मैंने कल करवाया था फॉर पोलीट्रॉपी प्रोसेस फोर पोलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए फोर पोलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एक मेरा रिलेशन था जो मैंने आपको कल करवाया था ठीक है जो मैंने कल करवाया था क्या था वो हमारा वी टू अपॉन वी वन रिलेशन uh, uh, आपको ये वाला रिलेशन मैंने निकल निकलवाया था।, निकल था कि यहाँ पे गये माइनस करा था वो हमारा एक रिलेशनशिप निकल के आया था तो ये कल हमारा रिलेशनशिप निकल के आया था पोलिटॉपिक प्रोसेस में आपको ध्यान देना पीछे देख लेना इसको जो मैंने करवाया था ओके स्टैंड अब यहाँ पे क्या करेंगे तो वी टू अपन की वैल्यू कितना दे रखा है देखो v2 और v1 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे v2 की अगर मैं बात करूँ तो 0.051 और इसके बाद वैल्यू दे रखिए जीरो ठीक है ये दे रखिए है पॉइंट जीरो ठीक है जीरो पॉइंट और यहाँ पे टेम्परेचर की मैं बात करूँ टेम्परेचर हमारा टी कितना दे रखा है टी वन हमको कितना दे रखा है डैट इज द 59 तो यहाँ पे लिख देंगे 59.9 नाइन पॉइंट नाइन प्लस टू सेवेंटी थ्री डेट विल बी इक्व टू दैट विल बी इक्व टू कितना निकल के आएगा ये फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन प्लस टू सेवन थ्री इक्वल आ गया हमारा थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन कैलविन थ्री 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 टू टी वन की वैल्यू निकल गई है थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन अपॉन टी टू और यहाँ पे वैल्यू है वन अपॉन एन की वैल्यू कितनी है वन अपॉन टू नाइन माइनस के वन ओके तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जीरो फाइव वन डिवाइड बाई पॉइंट टू इक्वल हो जाएगा हमारा जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव इक्व टू ठीक है इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन अपॉन टी टू यहाँ इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी तो वन पॉइंट टू नाइन माइनस के वन इक्वल और वन डिवाइड आंसर डेट विल बी थ्री पॉइंट फोर फोर थ्री पॉइंट फोर फोर ठीक है इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव अपॉन में हो जाएगा ये थ्री पॉइंट फोर फोर ओके इधर हो जाएगा हमारा थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन अपॉन टी टू तो यहाँ पे टी टू की वैल्यू बताऊंगा टी टू की वैल्यू कितनी आएगी शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है वन को इससे डिवाइड करो फिर इसके इस पावर करके इसको वैल्यू रखा दो और इसको इससे डिवाइड कर दो हमारा क्या वो सॉरी इसको इससे डिवाइड कर दो तो हमारे आंसर निकल कर आएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वन को मैंने डिवाइड करा थ्री पॉइंट फोर फोर से थ्री पॉइंट फोर फोर से इक्वल हो गया फिर पॉइंट टू फाइव फाइव की पावर आंसर इक्वल हो गया हमारा ये वाला और उसके बाद मैंने क्या करा थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन डिवाइड बाई आंसर इक्वल तो यहाँ पे हमारे टी टू का टेम्परेचर आया फोर नाइन फाइव पॉइंट टू फाइव ठीक है कैलविन ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना आया स्टूडेंट यहाँ पे फोर नाइन फाइव फोर नाइन फाइव पॉइंट टू फाइव कैलविन ओके तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या निकल गया टेम्परेचर निकल के आया अब यहाँ पे क्या करेंगे सीवी की वैल्यू निकालने के रहिए तो वो टी टू टी वन का टेम्परेचर सीवी की वैल्यू हमको निकालने के लिए रहे तो सीवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है सी पी माइनस के सी वी होता है क्या होता है सी पी माइनस के सी वी होता है ठीक है और हम जानते हैं गामा बराबर के क्या होता है सी पी अपन सी वी होता है गामा बराबर के क्या हो जाए सीपी पूर्ण सीवी तो सी पी बराबर मेरा क्या हो जाएगा गामा इंटू सीवी हो जाएगा ठीक है गामा इंटू सी तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ आर बराबर सीपी की गामा इंटू सी सीवी सीवी माइनस के सीवी ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा आर इक्वस टू सी वी मैंने कॉमन ले लिया तो गामा माइनस के वन हो जाएगा आर की वैल्यू हमको दे रखी है इन्होंने कॉन्स्टेंट में आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट दे रखी है डैट इज द जीरो पॉइंट टू एट सेवन दैट इज द जीरो पॉइंट टू एट सेवन तो यहाँ पे जीरो पॉइंट टू एट सेवन इक्व टू सी वी गामा की वैल्यू वन पॉइंट फोर माइनस के वन तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से सी वी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सी वी की वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सी वी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी दैट इज द यहाँ पे करेंगे तो उसको आ, तो पॉइंट टू एट सेवन डिवाइड बाई ब्रैकेट वन पॉइंट फोर माइनस वन वन पॉइंट फोर माइनस वन डेट विल बी जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन वन सेवन फाइव दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी वी तो किलो जूल पर के जी

1.29 माइनस के वन यही दे रखा है एल एन तो यहाँ पे एल एन हो जाएगा और टी टू का टेम्परेचर हमको कितना निकल के आया दैट इज़ द 495 495.25 फाइव फोर अपॉन और यहाँ पे हमारा टी वन का टेम्परेचर कितना दे रखा है स्टूडेंट टी वन का टेम्परेचर था हमारा 332.9 332.9 थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन ये हमारा टेम्परेचर है अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एस टू माइनस एस वन की वैल्यू देखो कैसे निकल के आएगी मैं सीधे सीधे इसको सोल्व कर दूंगा तो सीधे सीधे क्या करेंगे पहले हम पीछे वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एल एन दवाएंगे ब्रैकेट और फोर नाइन फाइव पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई थ्री थ्री टू पॉइंट नाइन ब्रैकेट क्लोज इक्वल हो गया ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी इसकी चलो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे जीरो पॉइंट सेवन वन सेवन फाइव ठीक है और इसको मैं यहाँ पे लिख दिया वन पॉइंट टू नाइन वन पॉइंट फोर अपॉन वन पॉइंट टू नाइन माइनस वन और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है यहाँ पर जीरो पॉइंट थ्री नाइन सेवन अब सीधे सीधे इसकी वैल्यू कर देंगे तो वैल्यू क्या करेंगे पहले इसको माइनस कर देंगे तो वन पॉइंट टू नाइन माइनस के वन पॉइंट फोर इक्वल डिवाइड बाई ब्रैकेट वन पॉइंट टू नाइन माइनस के वन ब्रैकेट क्रॉस इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट सेवन वन सेवन वन सेवन फाइव इक्वल और मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट थ्री नाइन सेवन इक्वल दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट वन डैट इज़ द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट वन माइनस से हमारी वैल्यू निकल के आएगी माइनस में आएगी जीरो पॉइंट वन जीरो एट जीरो क्लोजूल पर के जी कैलबीन क्लोजूल पर के जी कैलबिन तो यहाँ पे जो चेंजिंग ऑफ डिफरेंस आया हमारा एंट्रोपी का वो हमारा कितना आया हमारे कितना आया, आया? स्टूडेंट माइनस के वन जीरो एट जीरो ठीक है क्लोजुल पर के जी कैलवीन तो इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ठीक है अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे ठीक है ओके 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 ठीक है अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये भी कह रहा है ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा है क्वेश्चन uh, में ये कह रहा है कि ड्रॉ द पी वी एंड टी एस डायग्राम भी हमको ड्रॉ करना है ठीक है पी वी एंड टी एस डायग्राम भी हमको क्या करना है ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है चलो यही बता देता हूँ मैं ठीक है ड्रॉ कैसे हमको करना है ड्रॉ कैसे करना है उसका वैल्यू उसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पर तो ये मेरा पी वी हो गया ये टी एस हो गया तो पीवी की मैं अगर बात करू प्रेशर देखो प्रेशर क्या था मेरा वन बार से वन बार था निकाला था पी टू हमने पी टू हमने निकाला था कितना फाइव पॉइंट एट तो हमारा प्रेशर देखो इंक्रीमेंट कर रहा है फाइव हो गया वन से फाइव जा रहा है

क्वेश्चन में कह रहा है कि गैस को हम क्या कर रहे हैं एयर को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा घट रहा है यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है लेकिन प्रेशर की हाइट बढ़ रही है तो इस तरीके से यहाँ पे पीवी का डायग्राम बनेगा अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर टेम्परेचर मेरा पी कितना था डेट इज द तीन था, आ, 332 था. टी टू मेरा टेम्परेचर कितना निकल के आया था दैट इज द फोर नाइन टू दैट इज द फोर नाइन टू तो यहाँ पे फोर था या थ्री था मतलब टेम्परेचर भी मेरा क्या कर रहा है इंक्रीमेंट कर रहा है टेम्परेचर भी मेरा क्या कर रहा है बढ़ रहा है और यहाँ पे एंट्रोपी मेरी क्या करेगी एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ेगी ठीक है यहाँ पे एंट्रोपी क्या करेगी वैरी करेगी तो इस तरीके से यहाँ पे हम मैं बात बना सकता हूँ जो मैं टीएस का डायग्राम और टेम्परेचर कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वन से टू और एंट्रोपी की हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे टी पी वी ओ टी एस डायग्राम इसके बनेंगे पी वी ओ टी एस डायग्राम इस क्वेश्चन के यहाँ पे स्टूडेंट बनेंगे ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईच ऑफ थ्री आइडेंटिकल बॉडीज सेटिस्फाइड द इक्वेशन यू बराबर सी टी वे सी इज दिट कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ द बॉडी यहां पर इक्वेशन दे रखा है यू पढ़िए क्वेश्चन को क्या दे रखा है इसमें ठीक है क्वेश्चन में कह रहा है एक आइडेंटिकल बॉडी मेरी हो गई दूसरी और तीसरी ठीक है तीन आइडेंटिकल बॉडीज है सेटिस्फाइड द इक्वेशन यू बराबर सीटी इंटरनल एनर्जी दे रखा है यू बराबर सीटी दे रखा इसने, है इसने ठीक है हीट कैपेसिटी okay, है बॉडी तीनों बॉडी की हीट कैपेसिटी है मान लीजिए इसका कितना दो सो कैलविन दे रखा है इसका और इसका मैं मान लेता हूँ दो सौ पचास कैलविन और इसका मान लेता तो हूँ 540 सौ चालीस कैलविन ठीक है फिर कह रहा है कि इफ सी बराबर हमारा जो हीट की वैल्यू दे रखा है एट पॉइंट फोर क्लोजुल दे रखा है वाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना हमको वर्क करना पड़ेगा डेट कैन बी एक्सेप्टेड इन ए प्रोसेस इन विच दीज बॉडी आर ब्रॉट फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्योंकि हमको एक फाइनल कॉमन टेम्परेचर तक इनको हीट को ट्रांसमिट करने के लिए कितना हमको वर्क करना पड़ेगा कितना हमको क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा वो हमको बता रहा तो मान लीजिए मेरा कोई फाइनल टेम्परेचर ये हो गया कि कोई बॉडी है ठीक है ये बॉडी है यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हो गया इसका तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ तीनों बॉडी से हमको इसको हीट दे रहे हैं और हीट देने से हम मान लीजिए फाइनल बॉडी है ये ये क्या है मेरी फाइनल बॉडी है फाइनल बॉडी ओके तो ये फाइनल बॉडी यहाँ पे हमको बताना है कितना हमारा हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है इसके बारे में हमको बताना है ठीक है तो मान लेते हैं हमको इसको हमारे यहाँ पे क्यू वन हीट फ्लो हो रहा है यहाँ पे क्यू टू हो रहा है और यहाँ पे क्यू थ्री हो रहा है ठीक है यहाँ पे हमको वर्क बताना है कितना वर्क मुझको करने को मिल रहा है कितना वर्क मैं यहाँ पे करूंगा उसकी वैल्यू को मुझको बताना है ठीक है वर्क वर्क बताना है हमको वर्क कितना करना पड़ेगा वर्क मैक्सिमम हमको बताना है वर्क मैक्सिमम को कितना करना पड़ेगा उसको ओके स्टूडेंट तो तो देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है लिख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमको टेम्परेचर दे रखे तो टेम्परेचर टी बराबर कितना दे रखा है दो सौ चलो पीछे लिख लेते हैं यहाँ पे फिर पीछे देखना पड़ता है बार बार तो यहाँ पे लिख लेते हैं टी का टेम्परेचर दे रखा है दो सौ u2 का टेम्परेचर दे रखा है 250 केल्विन ठीक है और t3 का टेम्परेचर हमको दे रखा है 540 केल्विन 540 केल्विन ठीक है तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमको दे रखी है कि किस किस की कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है उनके बारे में यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पे हमको c जो हमारा हीट है दिस इज द वैल्यू ऑफ 8.4 किलो जूल ठीक है किलो जूल पर के केल्विन दे रखा है किलोजूल पर केल्विन ओके okay. तो यहाँ पे कोई मास कंसीडर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे किलोजूल किलोजूल के, पर केजी केल्विन हमने नहीं दे रखा है मास कंसीडर नहीं कर रखा है तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई किलोजूल पर केजी हो गई क्या हो गई स्टूडेंट किलोजूल पर केजी हो गई अब हम जानते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी प्रिंसिपल हम जानते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी प्रिंसिपल एंट्रोपी प्रिंसिपल एंट्रोपी प्रिंसिपल से हम क्या जानते हैं कि हमारी जो टोटल हमारी यूनिवर्स की हमारी सिस्टम है उसका एंट्रोपी प्लस सेकेंड वाले सिस्टम का एंट्रोपी और प्लस थर्ड वाले सिस्टम का एंट्रोपी डेट विल बीवस टू जीरो होगी डेट विल बीव टू क्या होगी स्टूडेंट हमारी जीरो होगी अब यहाँ पे इसने एक हमको रिलेशन दे रखा था कि यूँ बराबर क्या होता है सीटी दे रखा है इंटरनल एनर्जी बराबर क्या दे रखा है सीटी दे रखा है क्या दे रखा है स्टूडेंट सीटी दे रखा है क्या दे रखा है सीटी ठीक है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बराबर हमको क्या दे रखा है सीटी दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारी जो चेंजिंग एंट्रोपी आएगी जो हमारी चेंजिंग एंट्रोपी थी हमने कल पढ़ा था कि सी एल एन टी टू अपॉइंट टी वन ठीक है ये हमने पढ़ा था उसमें डिस्कस करा था ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यही फॉर्मूला को पुट करेंगे इसको पुट करेंगे डील वन की जगह सी एल एन सी एल एन ठीक है सी एल एन एक फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं नाउ यहाँ पे एक फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं हम नाउ फाइनल ऑफ बॉडी जो हमारा फाइनल बॉडी है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी एफ क्या मान लेते हैं टी एफ तो टी एफ हम मान लेते हैं तो यहाँ पे टी एफ अपॉन टी वन हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी एफ अपॉन टी वन हो जाएगा क्या हो जाएगा टी एफ अपॉन टी वन हो जाएगा ठीक है और हमारा क्या हो जाएगा प्लस सी टी एफ अपॉन टी टू प्लस सी टी एफ अपॉन टी थ्री इक्व टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे बात करूँगा सी एल एन टी एफ हमारा था टेम्परेचर और अपॉन टी वन का हम टेम्परेचर कितना 200 था दो सौ था हाँ दो सौ है तो दो सौ प्लस सी एल एन टी एफ कितना हो जाएगा दो सौ पचास प्लस सी एल एन हो जाएगा टी एफ अपॉन पाँच सौ चालीस इक्वस टू जीरो टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर मैं यहाँ से सी कॉमन ले लेता हूँ तो सी कॉमन लेने पे हमको क्या मिलता है यहाँ पर सी कॉमन लेने पे हमको यहाँ पे क्या मिलता है देखते हैं स्टूडेंट तो सी C... चलो यहाँ देता हूँ सी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो सी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे क्या बचा मेरा एल एन टी एफ यहाँ पे देखते हैं सी मैंने कॉमन ले लिया बाहर और यहाँ पे मेरा बचा एल एन टी एफ अपन दो सौ प्लस एल एन टी एफ अपोन दो सौ पचास प्लस एल एन टी एफ अपॉन पाँच सौ चालीस इक्व टू जीरो अब यहाँ पे क्या होता है कोई भी वैल्यू अगर मैं जीरो में भेजता हूँ ठीक है कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर जीरो में जाती है तो वो किस में हो जाती है हमारी ए की पावर में बन जाती है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको देखो यहाँ एल एम प्लस एल एन प्लस एल एन है तो मतलब कहने का मतलब एल एम प्लस एन या पी मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट ये इन टू में हो जाते हैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कैसी हो जाती है हमारी इन टू में हो जाती है कैसी हो जाती है स्टूडेंट इन टू में नोक में आपने पढ़ा होगा ठीक है में वैल्यू आपने पढ़ी होंगी तो किस किसमेंगी इन टू में हो जाएंगी ठीक है तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं सी तो मेरा एल एन तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से तो सी हम्म mm -hmm, mm -hmm. तो सी मेरा अगर जीरो में चला गया तो यहाँ बचा मेरा एल और अंदर बचा इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई होकर मेरा क्या होगा टी का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई पाँच सौ चालीस डैट विल बी इक्वस टू जीरो हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे एल एन उधर चला जाएगा तो एल एन की हमारे जो एल एन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दो सौ मल्टीप्लाई दो सौ पचास मल्टीप्लाई पाँच सौ चालीस टू जब एलन इधर जाएगा तो ई e की पावर मतलब ई e की पावर यहाँ पे जीरो तो जीरो हो जाएगी अगर यहाँ दो होता तो ई e की पावर दो हो जाता तीन होता तो ई e की पावर तीन हो जाता ये ध्यान रखना ठीक है एलन मेरा इधर चला गया अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा टी एफ की पावर थ्री अपोन इसको कल कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेट करके हमारी कितनी वैल्यू आएगी देखेंगे यहाँ पर कि टू हंड्रेड मल्टीप्लाई टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई फाइव फोर जीरो इक्वल्स टू टू हंड्रेड मल्टीप्लाई टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई फाइव फोर जीरो टू हमारी वैल्यू निकल के यहाँ पे ट्वेंटी सेवन एक दो तीन चार पाँच छः टेन की पावर सिक्स बराबर ई e की पावर वन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट ई की पावर जीरो है तो किसी की भी पावर किसी की भी पावर अगर हमारी जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है वन हो जाती है ठीक है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है वन मतलब ई की पावर जीरो है तो वन एक्स की पावर जीरो है तो वन अगर हमारी दस की पावर जीरो है तो वन किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू कितनी होती है वन होती है अपने मैथ में पढ़ रखा होगा ये मैथ में पर रखा होगा किसी की भी वैल्यू अगर हमारी जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है वन होती है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या करा इसकी वैल्यू वन कर दी तो यहाँ पे टी एफ की पावर थ्री इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू टेन की पावर सिक्स टेन की पावर सिक्स हो जाएगा अब मैं क्या करूँगा टी एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो इसकी इसकी पावर को मैं कर देता हूँ वन डिवाइड बाई थ्री तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट तीन तो दिस इज दिन 300 कैलविन तो यहां पे इसका आ, हम थ्री करेंगे तो यहाँ पे टी एफ की वैल्यू कितनी निकल तीन 300 कैलविन निकल कितनी आएगी तीन सो कैलविन निकल के आएगी ओके okay, स्टूडेंट अब हम जानते हैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं चलो नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडानेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक से आप क्या जानते हैं कि हमारी जो हमारी टो तो, मतलब एक हीट जो होती है वो हीट हमारी इक्वल होती है डेट इज द इंटरनल एनर्जी और प्लस के हमारा वर्क डन ठीक है तो हमारी जो हीट होती है दैट इज द इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन फोर अगर यहाँ पे मैक्सिमम वर्क की मैं बात करूँ फोर द मैक्सिमम वर्क यहाँ पे क्या कह रहा है फोर मैक्सीम वर्क अगर मेरा कोई सिस्टम मैक्सिमम वर्क कर रहा है ज़्यादा ज़्यादा वर्क कर रहा है कहने का मतलब क्या है अगर कोई मेरे सिस्टम ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में मेरा जो हीट होगा डैक विल बी इक्व टू जीरो होता है यहाँ पे मेरी जो हीट होगी वो क्या होगी जीरो हो जाएगी क्या हो जाएगी स्टूडेंट जीरो हो जाएगी, है? अगर के लिए हमारा क्या होगा हीट हमारी जीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन में अगर मैं हमारा मैक्सिमम यहाँ पे निकालू वर्क तो विल बी टू हमारा क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और इधर जाके माइनस के डी यू हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता तो हूँ माइनस के यू टू माइनस के यू वन हो जाएगा क्या हो जाएगा यू टू माइनस के यू वन हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस चेंज हट जाएगा तो ये हम चेंज कर देंगे यू वन माइनस के यू टू हो जाएगा क्या हो जाएगा यू वन माइनस के यू टू क्या हो जाएगा U1 -K U2. और हमको दे रखा है क्वेश्चन में यू बराबर क्या है, CT. U क्या है? CT. तो सी टी तो के अकॉर्डिंग यहाँ, यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुट करेंगे That is the, अगर मैं बात करूंगा डब्ल्यू वन मैक्सिम की हमारा डब्लू वन मैक्सिमम कितना होगा डैट इज दी और टेम्परेचर की वैल्यू बात करूँ तो टेम्परेचर दिस इज दू वन माइनस के यू टू ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे यू वन माइनस यू टू कहने का मतलब जो हमारा टी एफ हमारा जो यू वन मतलब इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर हो गया भाई यू वन यू टू हमारा क्या इनिशियल और फाइनल है ना तो कहने का मतलब क्या ये ये तो इनिशियल टेम्परेचर हो गया किसी बोर्ड सिस्टम का और ये फाइनल टेम्परेचर जो हमने टी एफ निकाला था तो यहाँ पे यू वन की मैं बात करूँ टी वन मेरा कितना था तो मैं मान सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ टी वन माइनस के टी एफ ठीक है इक्वस टू क्या होगा तो इक्वस टू मेरा क्या होगा तो यहाँ पे उधर नहीं आने का चलो मैं यहीं लिख लेता हूँ यहाँ पे देखो W1 मैक्सिमम की वैल्यू मैं निकालूंगा डब्लू वन मैक्मम बराबर डैट इज द हमारा सी और ये हो जाएगा टी वन माइनस के टी एफ टी वन माइनस के टी एफ सी की वैल्यू हमको दे रखी है कितना एट पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर टी वन की वैल्यू दे रखिए दो सौ माइनस और टी एफ का टेम्परेचर कितना निकल का है तीन सौ निकल का है ठीक है कितना निकल का है तीन सौ तीन सौ ये निकल गया है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू वन मैक्सीम की कि हमारा जो W1 वन मैक्सिमम कार्य होगा वो कितने इक्वल होगा तो यहाँ पे बात करते हैं W1 वन मैक्सिमम कार्य की तो 200 माइनस के 300 इक्वल मल्टीप्लाई 8.4 पॉइंट फोर बी विल माइनस के 840 ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 840 किलो जूल वर्क जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा किलो जूल इतना हो जाएगा अब हम करते हैं इसकी बात डब्ल्यू टू निकालते हैं तो डब्ल्यू टू टी टू हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे सी का एट पॉइंट फोर हो जाएगा और टी टू की वैल्यू कितनी दो सौ पचास माइनस के तीन सौ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट टू uh, फाइव जीरो माइनस के तीन सौ इक्वल मल्टीप्लाई एट पॉइंट फोर इक्वल हो गया माइनस के फोर टू जीरो किलो जूल ठीक है इसी तरह डब्ल्यू थ्री मैक्सिमम निकालेंगे डब्ल्यू थ्री मैक्सिमम हमारा कितना होगा डैट इज दी टी थ्री माइनस के टी एफ टी थ्री माइनस के टी एफ तो यहाँ पे एट पॉइंट फोर हो जाएगा और टी थ्री हमारे को कितना दे रखा था पाँच सौ चालीस माइनस के तीन सौ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी निकल आएगी स्टूडेंट दैट इज द फाइव फोर जीरो माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल मल्टीप्लाई एट पॉइंट फोर इक्वल दैट इज द दो हज़ार सोलह किलोजूल 2016 किलो जूल तो इस तरीके से अपने वर्क इनपुट को हम निकाल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे निकालेंगे नेट वर्क ना तो डब्लू नेट निकालेंगे डब्लू नेट मैक्सिमम जो हमारा मैक्सिमम वर्क आएगा निकल के वो कितना जाएगा डब्लू वन मैक्सिमम प्लस डब्लू टू मैक्सिमम प्लस डब्लू मैक्सिमम ओके तो डब्लू हमारा कितना आया डेट इज द माइनस के एट प्लस माइनस के और टू जीरो प्लस दो हज़ार सोलह तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस के एट फोर जीरो माइनस के फोर टू जीरो प्लस के दो हज़ार सोलह डेट विल बी इक्व डब्लू नेट वर्क जो निकल के आएगा हमारा वो कितना आएगा डब्ल्यू नेट जो निकल के आएगा वो इक्वल हमारा निकल के आएगा यहाँ पे देख लेते हैं कि दो हज़ार सोलह दो हज़ार सोलह माइनस आठ सौ चालीस माइनस चार सौ बीस इक्वल सात सौ छप्पन 756 किलो जूल तो डब्ल्यू नेट हमको कितना पड़ेगा 756 तो हम तो यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरा डब्लू नेट निकल के आएगा दैट इज द 756 किलो जूल निकल के आएगा 756 किलो जूल ठीक है तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा स्टूडेंट सात किलो जूल हमारा क्या निकल के आएगा वर्क निकल के आएगा क्या निकल के आ स्टूडेंट यहाँ पे वर्क निकल के तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है स्टूडेंट सोल्व करना है ओके okay, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन द चेंज इन एंट्रोपी तो यहाँ पे भी हमको दिख लेते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है डिटरमाइन कर रहा है चेंज ऑफ एंट्रोपी हमको डिटरमाइन करना है ठीक है ए ऑफ एयर इसमें एयर कोस करना है पोलिट्रोपी प्रोसेस दे रखा है फ्रोम इतना पासकल टू तो इतना मेगा पासकल तो यहाँ पे पी वन की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट डेट इज दन पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन की पावर फाइव पासकल दे रखा है ठीक है 10 की 5 पास्कल दे रखा है और यहाँ पे पी टू का वैल्यू दे रखा है कितना जीरो पॉइंट एट मेगा पासकल अब इसको भी हमको पासकल में कन्वर्ट करना होगा तो जीरो पॉइंट एट इन टेन की पावर सिक्स पासकल हो जाएगा ये ठीक है टेन की पावर सिक्स पासकल हो जाएगा एंड टेम्परेचर दे रखा है

मास दे रखा है मास की वैल्यू दे रखिए जीरो पॉइंट फाइव के जी जीरो पॉइंट फाइव के जी दे रखिए ठीक है मास की वैल्यू दे रखिए जीरो पॉइंट फाइव के जी दे रखिए ये सारी वैल्यू हमने क्वेश्चन में दे रखा है और क्वेश्चन में वैल्यू देने के लिए पर लेकिन हमको फॉर्मूला पता है सी वी एन माइनस के गामा अपॉन एन माइनस के वन आइल एंड टी टू अपॉन टी वन लेकिन यहाँ पे टी वन दे रखा है टी टू नहीं दे रखा है T1 दे रखा है T2 नहीं दे रखा है, है, है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं क्या जानते हैं स्टूडेंट हम जानते हैं दैट इज़ द हम जानते हैं टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन अपॉन एन माइनस वन ये फॉर्मूला होता है कल हमने निकाला था है n एन माइनस वन अपॉन एन ठीक है एन माइनस वन अपॉन एन हमारा फॉर्मुला होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे टी टू की वैल्यू को निकालेंगे तो टी टू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी दी वन और यहाँ पे हो जाएगा p2 p1 n 1 n तो यहाँ पे रखेंगे t1 का वैल्यू कितना दे रखा है डेट इज द 800 800 दे रखा है और p2 का वैल्यू कितना दे रखा है 0.8 जो को 0.88 की पावर 6 है तो मैंने इसको मान लिया 8 10 की पावर 5 ओके okay. कोई दिक्कत नहीं p1 हमारा है 1.0 13 10 की पावर 5 दे रखा है और यहाँ पे हमारा n का वैल्यू दे रखा है 1.2 पॉइंट टू तो वन पॉइंट टू माइनस वन अपॉन वन पॉइंट टू तो यहाँ पे टी टू का वैल्यू कितना आएगा इसको फाइंड आउट करेंगे टी टू का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैलकुलेट करने पर कितना वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करने पर कितना वैल्यू आएगा दैट इज़ द एट देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एट को डिवाइड करेंगे हम कितना वन पॉइंट जीरो वन थ्री से और मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से इक्वल हमारा वैल्यू आएगा 6317.8 अब हम क्या करेंगे इसका वैल इसका पावर भी निकालना है तो पावर के लिए करेंगे पावर ब्रैकेट 1.2 पॉइंट टू माइनस वन वन माइनस वन तो पहले इसको लिख लेते हैं डेट इज़ द 6317.86 का पावर हमको इसको निकालना है तो डेट इज़ द वन पॉइंट माइनस इक्वल डिवाइड बाई वन पॉइंट टू डेट इज़ द ज़ीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन आ जाएगा तो यहाँ पे इसको पावर हो गया तो सिक्स थ्री वन सेवन पॉइंट एट सिक्स का पावर आंसर इक्वल हमारा आएगा फोर पॉइंट टू नाइन तो फोर पॉइंट टू नाइन टीवन का टेम्परेचर फोर पॉइंट टू नाइन दिस इज़ द वेरी गलत तो। तो गलत आ रहा है 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 इसको सही करना होगा सही करना होगा इसको हमारा वैल्यू कितना आएगा तो वन पॉइंट टू एन माइनस वन है वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन इक्वल डिवाइड बाई वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन ठीक है आठ को डिवाइड करेंगे हम पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन थ्री इक्वल मल्टीप्लाई एट हंड्रेड इक्वल सिक्स थ्री वन सेवन ठीक है इसका पावर करेंगे पावर करेंगे पॉइंट वन सिक्स सेवन तो डेट इज द वैल्यू ऑफ फोर पॉइंट थ्री वन टू वन यहाँ हमारी वैल्यू गलता रही है भाई कहाँ गलती हो गई इसमें टी टू का टेम्परेचर निकालना था टी वन इधर चला जाएगा ये हो जाएगा आठ सौ ये हो जाएगा पी टू की वैल्यू जीरो आठ वैल्यू टेंट फाइव मान ली थी उसको हमारा ये हो गया था तो ये हो जाएगा आठ को डिवाइड करेंगे अगर वन पॉइंट जीरो वन थ्री डेट विलट ठीक है सेवन पॉइंट एट और मल्टीप्लाई इसमें मैंने किसकी कर दी अच्छा 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 इसमें गलती हमारी ये हो गई है पहले हम पहले इसको सोल्व करेंगे तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ठीक है तो हमारा गलती क्या हो गया पहले इसको सोल्व करेंगे तब मल्टीप्लाई तो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर पहले इसको सोल्व करेंगे पूरा ठीक है तब इसको वो करेंगे तो यहाँ पे आठ डिवाइड बाई वन पॉइंट ज़ीरो वन थ्री ठीक है इक्वल अब यहाँ पे इसकी पावर हमारा कितना है? तो इसको मैं लिख लेता हूँ आठ सौ ब्रैकेट में सेवन सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट एट नाइन सेवन की पावर देखो यहाँ पे कितनी आएगी वन पॉइंट टू माइनस के वन डिवाइड बाई वन पॉइंट टू डेट इज द जीरो पॉइंट तो यहाँ पे आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन अब करना है तो यहाँ पे क्या करना है पहले इसकी पावर निकालनी है तो सेवन पॉइंट एट नाइन सेवन का पावर आंसर इक्वल ठीक है वन पॉइंट फोर वन 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 मल्टीप्लाई कर देंगे आठ सौ से दो डाटे यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी यह आएगी वन वन टू एट पॉइंट नाइन थ्री कैलविन ठीक है तो यहाँ पे टी टू की वैल्यू कितनी निकल के हमारी वन वन टू एट पॉइंट नाइन थ्री कैलविन निकल गई है तो जब हमारी वैल्यू निकल के आ गई है तो यहाँ तो हम सीधा सीधा अपना चेंज ऑफ एंथैल्पी को निकाल सकते हैं तो चेंज ऑफ एंथैल्पी हमारी क्या होगी स्टूडेंट डेट इज द the... हम जानते हैं क्या जानते हैं एस टू माइनस के एस वन एस टू माइनस के एस वन सी वी और ये हो जाएगी हमारी गामा माइनस एन uh,

और गामा की वैल्यू हमारी कितनी होते? होती है गामा की वैल्यू पॉइंट फोर होती है एयर के लिए और पे 1. थी हमारी इलेवन 1.2 माइनस एट पॉइंट नाइन थ्री इलेवन टी एट पॉइंट नाइन थ्री और टी वन का वैल्यू था आठ सौ टी वन का वैल्यू कितना है आठ सौ है ठीक है इसको सोल्व करेंगे सोल्व करने के हमारी वैल्यू कितनी आएगी देखेंगे यहां पे स्टूडेंट यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे ठीक है तो इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आएगी हमारी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है इधर वाला तो हो जाएगा ये एलन ब्रैकेट वन वन टू एट पॉइंट नाइन थ्री डिवाइड बाई एट हंड्रेड डेट विल बी भीक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री फोर फोर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यू आई हमारी जीरो पॉइंट थ्री फोर फोर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थ्री फोर फोर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट फोर इक्वल डिवाइड बाई वन पॉइंट टू माइनस वन माइनस के वन और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें पॉइंट सेवन वन डेट वो ज़ीरो पॉइंट माइनस के जीरो पॉइंट सेवन वन यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी पॉइंट थ्री फोर फोर डेट इज़ द वैल्यू माइनस के जीरो पॉइंट टू फोर फोर दिस इज़ द एंट्रोपी तो एंट्रोपी हमारी वैल्यू निकल गई हमें जूल तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो यूनिट दे रखा है हमको यूनिट दे रखा है हमको किसका यूनिट दे रखा है ठीक है यहाँ पे हमको दे रखा है देखो यहाँ पे किलोजुल पर के जी कैलविन दे रखा है क्लोजुलल पर के जी कैलविन सी वी की वैल्यू दे रखी है लेकिन यहाँ पे हमको मास भी दे रखा है क्या दे रखा है मास भी दे रखा है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे से टेन की पावर थ्री से तो जिससे कि हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी ठीक है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टेन की पावर थ्री से तो टेन की पावर थ्री से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हज़ार से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई आंसर डैट विल बी इक्व टू माइनस के टू फोर फोर पॉइंट टू फोर तो यहाँ पे क्लोजुल तो हाँ के जी कैलविन के जी कैलविन यहाँ पे एंट्रोपी हमारी निकल गई माइनस के टू फोर फोर क्लोजूल अब हम बात करेंगे इसकी टोटल एंट्रोपी की तो टोटल एंट्रोपी हमारे क्या होगा टोटल एंट्रोपी तो टोटल एंट्रोपी की हम बात करूं कि टोटल एंट्रोपी हमारी क्या होगी स्टूडेंट टोटल एंट्रोपी जो चेंज होगा वो हमारा क्या होता है टोटल एंट्रोपी चेंज हमारा क्या होगा एस वन टू माइनस के एस वन ठीक है वैल्यू तो दे कितनी देर रखी है एम की वैल्यू दे रखिये जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो यहाँ पे एम की वैल्यू हमारी कितनी देर रखी है जीरो पॉइंट फाइव और हमारी जो चेंज ऑफ एंट्रोपी निकल है वो कितनी निकल के आइए माइनस के टू फोर फोर पॉइंट फाइव फोर टू फोर फोर पॉइंट फाइव फोर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा हमारा आंसर कितना आएगा उसकी वैल्यू देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे एंट्रोपी जो चेंज हुई है उसको हम माइनस में नहीं लेंगे उसको पॉजिटिव ही लेंगे जो चेंज हुई है एंट्रोपी उसको माइनस में नहीं लेंगे उसको पॉजिटिव में लेंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू फोर फोर पॉइंट फाइव फोर मल्टीप्लाई पॉइंट फाइव इक्व टू वन टू टू पॉइंट टू सेवन ठीक है तो यहाँ पे चेंज ऑफ एंट्रोपी जो हमारे निकल के आएगी दैट इज़ द तो यहाँ पे हमारे देखो क्लोजूल जूल पर कैलविन निकल का है ये ध्यान रखना क्लोजूल पर कैलविन क्योंकि हमने मास पे यहाँ मल्टीप्लाई कर तो के से के कैंसिल हो जाएगा ठीक है के से के कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए क्लो पर क्लोजूल पर केलविन आएगी यहाँ पे एंट्रोपी कितने कितनी आएगी हमारी स्टूडेंट जूल पर कैलविन आएगी ठीक है जूल पर कैलविन ओके यहाँ पे यहाँ पे इसको कर लेना यहाँ पे यूनिट इसको कन्वर्ट कर लेना या इसको सीधे ऐसे कर सकते हो ठीक है या तो आप इसको सीधे ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो तो यहाँ पे हमने इसको जो क्लोजूल इसकी जो चेंज ऑफ एंट्रोपी आई थी वो हमारी क्लोजूल पर के जी कैलविन आएगी तो हमने पे इसको लिख लिया जूल पर के जी कैलवीन जूल पर के जी कैलविन ठीक है तो यहाँ पे हमने इसको लिखा तो यहाँ पे जूल पर कैलविन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा जूल पर कैलविन ठीक है कितना हो जूल पर हो जाएगा जाएगा जूल।, जूल पर समझ में ना कैसा होगा यहां पे क्या होता हमारी वैल्यू आई थी क्लोजूल क्लोजूल पर कैलविन ठीक है हमारी वैल्यू थी क्लोजूल पर कैलविन ठीक है यहां पे लिख सकता हूं क्लोजूल पर कैलविन के जी आई थी ठीक है लेकिन मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर तो की पावर से मल्टीप्लाई करते करती वैल्यू निकल के आएगी और इसमें मैंने क्या करा मास से मल्टीप्लाई कर दो तो केजी से जी केजी कैंसिल हो जाएगा तो जूल पर हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी एंड निकल के आएगी तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो आपको ध्यान देना है या आप सीधे सीधे पे मल्टीप्लाई मत करो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको पुट कर दो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसको आप लिख सकते हो ठीक है तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एंट्रोपी ट्रॉपी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे या लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में वगैरह में जो हम उन, उनके सबके हमने प्रैक्टिस कर लिए और इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे यूनिट थर्ड है वो हमारी फिनिश हो जाती है और यहाँ पे उसके सारे टॉपिक हमने कवर करे ठीक है तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट